हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपिका। आज हम लोग यूपीएससी सीसेट 2021 के मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पांच पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला पार्ट सिक्स है, जिसमें हम सीरीज एक एक क्वेश्चन नंबर 53 to 60 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, जय एंड विजय स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हैं वो टू बाय सम पेन्स एंड स्पेशल पेंसिल्स ऑफ द सेम क्वालिटी एंड फ्रॉम द सेम स्टोर। इफ जय बॉट 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स एंड विजय बॉट 2 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, तो हमें बोला गया है जय और विजय ने सेम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया है। तो जो जय ने 3 पेन्स पेन को मैं कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और 5 पेंसिल्स पेंसिल्स को स्मॉल पी से, तो ये जय ने परचेज किया है। और विजय ने जो परचेज किया है वो है 2P + 7 स्मॉल p पेंसिल्स। तो ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि हम दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये पेन वाला एक साइड पे ले आएंगे और पेंसिल वाला एक साइड पे कर देंगे। तो यहाँ आएगा हमारा 3P - 2P = P = 7P - 5P, तो ये हो जाएगा 2P। तो ये हमारा आगे जो पेन का प्राइस है वो पेंसिल के प्राइस से 2 टाइम्स है, या ये कह लेते हैं पेंसिल का प्राइस पेन के प्राइस से हाफ है। ओके, अब ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला गया है अ पेंसिल कॉस्ट मोर देन पेन। ऐसा नहीं है, पेंसिल की प्राइस पेन का हाफ है तो मोर देन पेन तो नहीं है। नेक्स्ट हमें बोला गया द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन, इक्वल भी नहीं है। प्राइस ऑफ अ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ द पेंसिल। तो ये सही है क्योंकि पेन की प्राइस जो आ रही है यहाँ पर हमारे पास वो पेंसिल के प्राइस के 2 टाइम्स आ रही है। नेक्स्ट हमें बोला गया प्राइस ऑफ पेन इज 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल, तो ये भी नहीं है, 3 टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स ही है। तो सी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है पी स्कोर 40 मार्क्स मोर देन क्यू इन एन एग्जामिनेशन। इफ क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स देन पी, देन हाउ हाउ मच डिड क्यू स्कोर। ओके, तो क्या बोला गया, पी के मार्क्स हम पी मान लेते हैं और क्यू के मार्क्स क्यू मान लेते हैं। तो पी ने जो स्कोर किए हैं वो क्यू से 40 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं। तो पी के मार्क्स कितने हुए, क्यू प्लस 40, और क्यू ने जो किया है वो पी के मार्क्स से 10% लेस है। तो पी माइनस 10% कम करेंगे, तो परसेंट को जब फ्रैक्शन में करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्यू के मार्क्स आ जाएंगे पी माइनस 10P/100। तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 9P/10, ये क्यू के मार्क्स आ गए हमारे पास। इसे और सॉल्व करेंगे तो पी को भी जब इसमें से निकाल लेंगे तो पी यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10Q/9, तो ये पी के मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे। और यहाँ पर भी ये पी के मार्क्स थे, यहाँ पर भी ये पी के मार्क्स ही हैं, तो दोनों को इक्वेट करवा देंगे तो ये आएगा हमारे पास 10Q/9 = Q+40। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10Q/9 - Q 10Q/9 - Q = 40। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 10Q - 9Q, LCM ले लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q = ये जो 9 LCM वाला होगा फिर ये इधर चला जाएगा, तो Q = यहाँ से हमारे पास 360 आ जाएगा। तो यहाँ पर Q के मार्क्स पूछे हमसे, Q ने कितना स्कोर किया होगा, तो 360 Q ने स्कोर किया है, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा A। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है अ पर्सन P आस्क्स वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स X एज हाउ मच मनी ही हैड। एक्स रिप्लाइड इफ वाई गिव्स मी ₹40 देन वाई विल हैव हाफ ऑफ एज मच एज जेड। इफ जेड गिव्स मी ₹40 देन 3 of us विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट एक्स वाई जेड हैव। ओके, तो अब पी ने एक्स से पूछा कि उसके पास कितना मनी है, तो एक्स ने इस तरह से रिप्लाई किया है उसका। तो हमें निकालना होगा तो तीनों के पास टोटल कितना मनी है। तो इसे करने के लिए हम सबसे पहले जैसे जैसे बोला गया है उससे देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो एक्स ने बोला है वाई अगर उसे ₹40 दे देगा तो वाई के पास जेड से हाफ अमाउंट ऑफ मनी रह जाएगा। तो वाई के पास कितना हो जाएगा जब वाई ₹40 एक्स को दे देगा, तो वाई माइनस 40। इनिशियली तीनों के पास मान लेते हैं एक्स के पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी था, वाई के पास वाई और जेड के पास जेड, तो तीनों के पास इतना मनी था। तो वाई ने जब एक्स को ₹40 दे दिया तो वाई के पास कितना बचा, वाई माइनस 40। तो ये हो जाएगा ₹z/2। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, पहली चीज हमें ये दी गई है क्वेश्चन में। फिर बोला गया है
अगर जेड एक्स को 40 रुपीज देता है तो जेड के पास अब कितना रह जाएगा, जेड माइनस 40, तो इज इक्वल टू, तीनों के पास इस केस में इक्वल मनी हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 40, क्योंकि एक्स को 40 रुपीज दे दिया गया है तो एक्स के पास 40 रुपीज ज्यादा होंगे और जेड ने दिए हैं तो जेड के पास 40 रुपीज कम होंगे, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तीनों के पास कितना अमाउंट ऑफ मनी है वो देख लेंगे। तो यहाँ से अब देखेंगे तो y इज इक्वल टू z माइनस 40 है, इसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y माइनस 40 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास y प्लस 40, तो ये हो जाएगा y प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू फर्स्ट z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 2y माइनस 80 इज इक्वल टू y प्लस 40, तो क्या हो जाएगा यहाँ से y इधर लेके आएंगे और ये 80 इधर ले जाएंगे तो 2y माइनस y y रह जाएगा इज इक्वल टू, ये 80 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 120 हो जाएगा यहाँ पर। तो y के पास कितना मनी है, 120 रुपीज y के पास है। अब x का इसी तरह से निकाल लेंगे तो x का हो जाएगा यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू y माइनस 40 है, तो x इज इक्वल टू y माइनस 40 मतलब कि 120 माइनस 40 करेंगे तो 80 रुपीज एक्स के पास आ जाएंगे यहाँ से। और फिर जेड का निकालेंगे तो जेड के पास कितना हो जाएगा, जेड के पास है वाई प्लस 40, तो वाई सॉरी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस 40, तो 120 प्लस 40 कितना हो गया, 160, तो ये जेड के पास हो गया। अब क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, तो जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 80 प्लस 120 200 प्लस 160, तो 360 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ मनी 360 रुपीज है तीनों के पास, तो बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं। ये एक कोड लैंग्वेज में दी कोड लैंग्वेज दिया हुआ है हमें, तो इसमें बोला गया मैथमेटिक्स को इस तरह से लिखा जाता है एक लैंग्वेज में, तो हमें देखना होगा कि केमिस्ट्री को उसी लैंग्वेज में किस तरह से लिखा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या है, एम को लिखा गया है एल, तो ये माइनस वन कर दिया गया है एम की एक पहले वाला उसका कैरेक्टर ले लिया है, उसके पहले जस्ट जो आता है। फिर ए को लिखा गया है बी, तो ए के जस्ट बाद वाला यहाँ पर ले लिया गया है, तो यहाँ पर प्लस वन किया गया है ए के बाद में। फिर टी को यहाँ पर लिखा गया है एस, तो इसको भी माइनस वन कर दिया गया है। फिर एच को यहाँ पर लिखा गया है प्लस आई, तो ये प्लस वन हो गया यहाँ पर, तो ऑल्टरनेटिवली माइनस प्लस चल रहा है, तो लेकिन सबसे पहले स्टार्ट तो माइनस से ही हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें केमिस्ट्री में माइनस वन करना होगा तो बी आना चाहिए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन हम हटा सकते हैं, ए और डी यहाँ पर हट जाएंगे। उसके बाद दोनों ऑप्शन में नेक्स्ट दोनों तो आई और डी ही है तो ठीक है, उसके बाद वही तो एच से प्लस वन करेंगे तो आई हो जाएगा, ई से माइनस वन करेंगे तो डी हो जाएगा, तो वो दोनों ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। उसके बाद एम से हमें प्लस वन करना होगा वापस से, तो एम से प्लस वन करेंगे तो एन आएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस करना है, तो इसलिए इस तरह से हम देखेंगे। तो अभी ई का माइनस वन कर चुके थे हम यहाँ पर डी के लिए, तो एम में हमें प्लस वन करना होगा तो एन आएगा, तो यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं। ओके तो ये इस क्वेश्चन में बोला गया है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। तो 180 डिग्री का एंगल जब बनता है तो क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो इस स्ट्रेट लाइन में ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री का एंगल होता है, तो दो पॉइंट्स जब भी एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे तो उन दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एट 7 आवर्स, 7 आवर्स में क्या होता है, जो आवर हैंड है वो 7 पर होता है और मिनट हैंड 12 पर होता है, तो ये तो 180 डिग्री नहीं हो रहा है, 180 डिग्री होने के लिए या तो ये यहाँ होना चाहिए मिनट आवर हैंड को, या फिर मिनट हैंड को यहाँ पर होना चाहिए, तो ये तो 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं बनाएगा, तो ए ऑप्शन तो हमारा यहाँ पर गलत हो गया है, तो ए गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया बिटवीन 7 आवर्स एंड 705 आवर्स। ओके तो अब 7 आवर्स में क्या होगा कि 7 आवर्स और 705 आवर्स के बीच में क्या होगा, जो आवर हैंड है वो थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो गया होगा और जो मिनट हैंड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये 180 डिग्री तो फिर भी नहीं बन रहा है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद एट 705 आवर्स, ये देखने को लग रहा है कि शायद हो सकता है क्योंकि ये 7 आवर पे यहाँ होगा और यहाँ पर इस तरह से होगा ये,
लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअली, क्योंकि 7 और 5 आर में ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो चुका होगा, तो ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, तो ये भी नहीं होगा इस वाले केस में भी, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है ये सी भी हमारे पास गलत हो गया है। इसके उसके बाद फिर हमें बोला गया है बिटवीन 7 और 5 आवर्स एंड 7 10 आवर्स, तो अब 7 और 5 आवर्स में ये वाला जो आर हैंड है वो थोड़ा इधर मूव कर चुका होगा यहाँ पर, और जो मिनट हैंड होगा वो भी इधर मूव कर चुका होगा, तो ये यहाँ आ चुका होगा, तो ये यहाँ से 180 डिग्री इसके बीच में बन जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका होगा 7 और 5 आवर्स एंड 7 10 आवर्स के बीच में जो है ये 180 डिग्री एंगल बनने वाला है। ओके आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस, अ स्टूडेंट गॉट अ टोटल ऑफ 387 मार्क्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेज? इनकरेक्ट रेस्पॉन्स कितने हैं वो हमें बताना है। टोटल 90 क्वेश्चंस थे एग्जाम में, और एक स्टूडेंट ने, और 5 मार्क्स हर करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स हैं, रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स हैं, और एक स्टूडेंट ने 387 मार्क्स अचीव करे हैं, तो हमें बताना कि उसके इनकरेक्ट मार्क्स कितने हैं। तो हम मान लेते हैं कि करेक्ट रेस्पॉन्स को हम सी से डिनोट कर रहे हैं और इनकरेक्ट रेस्पॉन्स को आई से डिनोट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले तो टोटल उसने सारा ही पेपर अटेम्प्ट किया, 90 के 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, तो सी प्लस आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले 90। टोटल 90 क्वेश्चन हैं, तो करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के 90 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल। फिर दूसरी क्वेश्चन हमें क्या बनानी होगी यहाँ पर, 5 मार्क्स करेक्ट रेस्पॉन्स के हैं -2 मार्क्स इनकरेक्ट रेस्पॉन्स के लिए हैं, तो इज इक्वल टू उसके हुए हैं 387 मार्क्स, तो यहाँ पर 387 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 इक्वेशन हमारे पास हो गई हैं और 2 वेरिएबल हैं, तो हम निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड है, तो अब हम फर्स्ट को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2C+2I इज इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन हो जाएगी जो हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके निकाली है। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 और 3 है इन्हें ऐड कर देंगे, तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7C, और ये 2I से 2I कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7 8 16 6+3 एंड 2 5, 567 ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7C इज इक्वल टू। तो सी की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगी 81, तो 81 करेक्ट रेस्पॉन्स है, तो 81 करेक्ट है, तो इस इक्वेशन में जब इसे पुट कर देंगे 81 करेक्ट आ गए। टोटल 90 थे, तो इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे, 90 -81 इज इक्वल टू 9 हमारे पास इनकरेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा, इनकरेक्ट रेस्पॉन्स हमें हमारे जो स्टूडेंट के हैं वो 9 है। ओके आगे चलते हैं। ये बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से ट्रिकी हैं, इन्हें एक ट्रिक के थ्रू देखना होगा हमें, तो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में अब क्या बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम, 3P+4P+PP+PP इज इक्वल टू RQ2। तो PQR जो है वो तीनों ही डिफरेंट डिजिट्स हैं, और तो हमें बोला गया व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स। जितने भी ऐसे सम हैं जो कि RQ2 वाले सम है पॉसिबल, उन सब का सम हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें PQR की वैल्यू ही देखनी होगी कि क्या कैसे हम PQR की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बोला गया 3P+4P+PP+PP इज इक्वल टू, क्या बोल दिया गया है, RQ2। तो ये जो 4 नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स, इन नंबर्स का सम कुछ इस तरह से है कि जो यूनिट डिजिट आएगी उस सम में वो 2 आनी चाहिए। तो एक तरह से इन 4 नंबर पे ये जो पी है ये 4 बार ऐड हो रहा है, तो पी 4 बार ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 4 × P इज इक्वल टू समथिंग एंड यूनिट डिजिट उसकी क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। तो अगर अब आप फोर पी हम अगर मान लें कि 1 है, तो 4 × 1 कितना होता है, 1 4 होता है, तो ये तो यूनिट डिजिट 2 नहीं आई। पी को 2 मान लें तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आई। फोर पी को अगर 3 मान लें तो 4 × 3 होता है 12, यहाँ पर हमारी यूनिट डिजिट 2 बन रही है। तो हमें एक तो पी हमें मान लेना है कि ये 3 होने वाला है एक पी, तो और देख लेते हैं और क्या हो सकता है, 4 तो 4 × 4 हमारा होगा 16, ये भी नहीं होगा।
5, 4 × 5 = 20, ये भी नहीं होगा। 6 तो 4 × 6 = 24, तो ये भी नहीं होने वाला है। 4 × 7 होता है 28, तो ये भी नहीं है। 4 × 8, 8 होता है 32। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट हमें 2 मिल रही है, तो हम पी की एक वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, 8 भी हो सकती है। फिर यहाँ पर पी को 9 मानेंगे तो यहाँ 36 होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर 10 ही मान लिया तो 0, 40 होने वाला है, तो ये भी नहीं होने वाला। तो इस तरह से हम देखेंगे तो पी की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास या तो 3 हो सकती है या 8 हो सकती है। तो अब पी की वैल्यू 3 और पी की वैल्यू 8 लेके देख लेते हैं सम क्या बन रहा है। पी की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 + 43 + 33 + 33। तो ये हमें क्या मिलने वाला है सम, ये मिलने वाला है हमें 142, यहाँ पर सम मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो आर क्यू की भी वैल्यू देखेंगे तो R = यहाँ 1 होगा, Q = 2 हो जाएगा, और P तो हमने 3 यहाँ पर माना ही था। तो ये इस तरह से PQR का हमें एक सेट मिल जाएगा। उसके बाद P = 8 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 38 + 48 + 88 + 88। तो जब इसका भी हम यहाँ सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 262। तो ये दूसरा ये हो जाएगा हमारे पास। तो P की वैल्यू यहाँ पर हमने 8 मान ली, R यहाँ पर हो गया 2 और Q यहाँ पर हो गया 6। तो एक सेट यहाँ पर हमारे पास ये वाला हो गया। तो इस तरह के ये दो नंबर्स, दो सम हमें मिले हैं। अब हमें बोला है अरिथमेटिक मीन निकालना है ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स। तो पॉसिबल सम तो यहाँ पर होगा हमारे पास 142 एंड 262। अब इनका अरिथमेटिक मीन का मतलब यही है कि एवरेज निकालना है, तो इनका सम करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो सम जब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 404। तो 404 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 202। तो सी इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास सी इसका आंसर होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने पी की वैल्यूज निकाली हैं और किस तरह से हम पहुंचे हैं आंसर तक। अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है या कुछ भी किसी भी स्टेप में मिस हो गया है कि कैसे हमने वो वैल्यूज डिराइव करी हैं, तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ लीजिए। और अगर आपके पास कोई और मेथड भी है उसे निकालने का तो भी आप पूछिए, तब भी हम देख लेंगे कि कैसे उसे और दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देख लेते हैं क्या बोला गया है। कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम, पी क्यू इंटू 3 = RQQ, वेयर पी क्यू आर डिफरेंट डिजिट्स एंड आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें बोला गया है पी प्लस आर डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो अब आप यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, पी क्यू मल्टीप्लाइड बाई 3 = RQQ। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू एक ऐसा नंबर है जिसे 3 से जब मल्टीप्लाई किया गया तो हमें वही नंबर वापस से मिल रहा है। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है कि जिसे 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वही नंबर मिले। तो 3 × 1 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ रहा है, जबकि हमें चाहिए 1, क्योंकि क्यू क्यू सेम होना चाहिए ना। तो अगर हम क्यू की वैल्यू यहाँ पर 1 लेके करेंगे तो ये 3 आ रहा है। फिर क्यू की वैल्यू अगर 2 मान लें तो 3 × 2 हमारे पास क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो इसमें भी नहीं है। क्यू की वैल्यू अगर हम 3 मान लें तो ये 3 × 3 = 9 होगा। क्यू की वैल्यू 4 मानेंगे तो 3 × 4 = 12 होने वाला, तो ये भी नहीं है। क्यू की वैल्यू 5 मानेंगे तो 3 × 5 हमारे पास होगा 15। तो यहाँ पर हमारे पास वापस से हमें 5 मिल रहा है यूनिट डिजिट पे। तो 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वापस से वही मिल रहा है। तो इसका मतलब हमें क्यू की वैल्यू तो हमें मिल गई है कि 5 होनी चाहिए क्यू की वैल्यू। इसी तरह से हम और भी देखेंगे 6, 7, 8 से भी करके, तो सब तो हमें सिर्फ यही मिलेगा कि क्यू की वैल्यू तो 5 ही होनी चाहिए अगर हमें दोनों जगह एक ही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हो क्या गया हमारे पास कि P5 × 3 = R55। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो 5 आया। अब एक और कैरी ओवर गया तो उसके बाद भी ये जो डिजिट आ रही है ये 5 आ रही है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर जो R5 हो रहा है ये कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ 4 में आना चाहिए +1, जो इस 5 के साथ जो कैरी ओवर +1 गया होगा, क्योंकि 3 × 5 कितना होता है, 15 होता है। तो इस 15 का ये 5 तो यहाँ आ चुका है, ये 1 कैरी ओवर हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये 1 कैरी ओवर होने के बाद में ये जो नेक्स्ट डिजिट आनी चाहिए वो 4 आनी चाहिए। तो अब हम 3 × 6 करेंगे तो 18 होता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। 3 × 7 करेंगे तो ये 21 होता है, तो ये भी नहीं होगा। 3 × 8 अगर हम करेंगे तो ये 24 बनता है यहाँ पर, तो ये हमारे पास यहाँ पर 4 आ रहा है। तो
तो P5 × 3 अगर हम करेंगे तो हमें P को अगर हम 8 मान लें, ये हम अब P की वैल्यूज चेक कर रहे हैं, तो P को अगर हम 8 मान लें तो 85 × 3 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 255 आ जाएगा ये। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हम 255 तक पहुंचे हैं। ये P की वैल्यू 8 क्यों मानी है? P की वैल्यू 8 इसीलिए मानी क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है ये वाला नंबर ये 4 होना चाहिए था, तभी इस 15 जब 3 × 5 15 हुआ होगा तो उस 5 के आगे जो 1 था वो कैरी ओवर होके 4 के साथ ऐड होके यहाँ वापस से हमें 5 देगा। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा नंबर निकालना था जो उसके 3 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद यूनिट डिजिट पे 4 दे हमें। तो वो निकालने के लिए हमें यहाँ पर 8 कंसिडर करा है, तो 8 को 85 को जब इससे करेंगे तो 255 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू आ गई, पी 8 आ गया, क्यू हमारे पास 5 आ गया और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई 2। तो इस तरह से ये सेट हमारे पास बन गया पी क्यू आर का। अब हमें बोला क्या है, पी प्लस आर डिवाइडेड बाय क्यू, तो पी प्लस आर 10 हो गया और डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। तो बी इसका आंसर होगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर फिर भी डाउट आ रहा है कि ये 8 तक कैसे पहुंचे हैं या 5 कैसे लिया है या किस तरह से डिराइव किया है इन वैल्यूज को, तो आप प्लीज पूछिए किसी भी एक छोटी से छोटी स्टेप में भी अगर कोई डाउट है तो उसे भी प्लीज पूछिए, हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से किया जा सकता है। अगर फिर भी डाउट नहीं सॉल्व होगा तो एक लाइव सेशन में उसे डिस्कस कर लेंगे फिर से किस तरह से किया जा सकता है। और अगर आपको सेशन यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू फॉर योर टाइम, और बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।